हेलो फ्रेंड्स, आपको मैं बताऊंगा। ये देखिए रेडीमेड सूट है, इसका नेक देखिए कैसे फिनिशिंग नहीं है बिल्कुल भी नेक में। इसको हम सही से उधेड़ के अच्छी तरह बनाएंगे इस नेक को। अब ये देखिए मैंने इसको उधेड़ लिया है बिल्कुल, इसको ऐसे उधेड़ना है, इसको खींचना नहीं है नेक को बिल्कुल भी। इस लेस को मैंने अलग कर लिया है और आराम से इसको पूरे अच्छी तरह उधेड़ लेना है इसको आराम आराम से, ताकि हमारा गला बिल्कुल खींचे ना। इसको उधेड़ कर अच्छी तरह हमने बिछा लेना है इसको, और इसको आयरन से गले को हमें बिल्कुल सीधा कर लेना है। जो सलवटे हैं वगैरह सब हमें निकाल लेनी है आयरन करके। ये देखिए मैंने सारी निकाल ली है इसको। ये लाइनिंग वाला सूट है, इसको लाइनिंग वाले पे मैंने सेट कर लिया है बीच का सेंटर में लाकर। इसको अच्छी तरह पिनों से मैंने इसको पिन अप करके पूरा देखे सेट कर लिया है इसको, ताकि हमारा ये कहीं भी गला कहीं जाए ना। यह अस्तर वाला है, अगर बिना अस्तर का होता है तो हम इसको जब जब भी यही मेथड इसमें यूज होगा, बिना अस्तर का होगा तो। अभी अस्तर वाला है तो इसमें अस्तर में देखिए मैंने पिन से इसको कैसे सेट किया। चलिए अब चलते हैं अपनी मशीन पर, बताती हूँ मैं आपको कैसे इसको ठीक करना है गले को हमें। ये देखिए हमने इसको सेट कर लिया था। अब यहाँ से हमारा ये नेक आ रहा है, नेक की एक पैर की सिलाई हम पूरे राउंड में देंगे। जैसे हमारी शेप बनी हुई है इस पर राउंड की, तो पूरी एक पैर की इसकी सिलाई हम देते चलेंगे इसमें राउंड शेप में, क्योंकि हमारा राउंड शेप का ही नेक है ये। कहीं भी किसी कहीं से इसको खींचना नहीं है, बिल्कुल आराम आराम से पूरी गोलाई में इसको सिलाई देते जाना है हमें। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो ज़रूर आप इसको लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये देखिए पीने में निकालती जा रही हूँ और इसको सेट करते जा रही हूँ। एक पैर की सिलाई पूरे में हमें इसको दे दी है। कहीं से भी खींचे नहीं गले को, आराम से इसको लेते चलिए। और ये देखिए हमने एक पैर की इस पर सिलाई पूरे में लगा ली है। अब सिलाई देखिए पूरे एक पैर की सिलाई हमारी पीछे भी दिख रही है इसमें। अभी हमने पेस्टिंग पर अपना कपड़ा लगा लिया है अपने को गले के अकॉर्डिंग। गले जितना बड़ा है इसका सेंटर मार्क ले लेंगे हम पेस्टिंग का, पेपर पेस्टिंग का, क्योंकि कपड़े पे चिपका लिया है हमने इसको, सेट कर लिया है अच्छी तरह इसका सेंटर मार्क लेकर। अभी हमारे सूट का जो सेंटर है और पेपर पेस्टिंग का सेंटर मिलाते हुए इस पेस्टिंग को हम नीचे तक कच्चा कर लेंगे, जहाँ तक हमारे गले का एंड हो रहा है वहाँ तक इसको हम कच्चा कर लेंगे, ताकि हमारी ये पेस्टिंग कहीं से हिले नहीं, इसलिए कच्चा करना है इसका सेंटर मिलाते हुए दोनों को। अब ये देखिए अब इसको बैक करेंगे हम पीछे की साइड, और जो हमने सिलाई लगाई थी ये देखिए पीछे हमारी सिलाई पूरी दिख रही है। इसी सिलाई पर पूरी सिलाई फिर से लगानी है हमें पूरा अच्छी तरह सेट करते हुए इसको, कहीं से भी इधर उधर नहीं घुमाना है। इसी सिलाई के ऊपर आप सिलाई लगाते चलिए, जो सिलाई हमने पहले लगाई थी जो सिलाई हमें दिख रही है ऊपर से, इसी के ऊपर हम लगाते चलेंगे इसको पूरी सिलाई को। पूरी सिलाई हमारी लग चुकी है इसमें, ये देखिए पूरी सिलाई हमने लगा ली है इसकी। ये देखिए हम एक पैर की छोड़कर हम इसको सिलाई से अंदर की साइड एक पैर छोड़कर हम पूरा इसको कटिंग कर लेंगे राउंड शेप में। हमारी सिलाई से एक पैर कम होना चाहिए, एक पैर की सिलाई लेकर इसको कटिंग कर लिया है नेक को हमने। अब ये देखिए ये हमारी इसकी चौड़ाई है ऊपर की 1.25 इंच पेपर पेस्टिंग की, तो पूरी 1.25 के निशान लगा लेंगे पूरे हम इसमें पेस्टिंग में, वही राउंड शेप में, ताकि हमारा गला बिल्कुल शेप में आए इससे और पेपर पेस्टिंग भी बिल्कुल शेप में आए। पूरी 1.25 पूरे राउंड पर हमने लगा लिया है निशान इसको। अब ये निशान जो हमने लगाए हैं उसको पूरा राउंड में हम कटिंग कर लेंगे। कटिंग करके ये पेपर पेस्टिंग जितना आपको चौड़ा रखना है, जितना आपने चौड़ा रखना है उतना इसको फोल्ड करके, फोल्ड करते हुए एक समान फोल्ड करते हुए हम पूरे में इसको पेपर पेस्टिंग पर सिलाई लगाते चलेंगे। मुझे थोड़ा चौड़ा ज़्यादा पसंद है तो इसलिए इसको पूरे में सिलाई लगाते चलेंगे हम आधा आधा इंच की पूरे राउंड शेप में।
अब देखिए इसमें पूरे में कट्स लगा लेंगे राउंड में, यहाँ पे हमारा कर्व आ रहा है राउंड शेप में। और देखिए सिलाई से हमारा कट बाहर नहीं जाना चाहिए, सिलाई के अंदर अंदर कट रहे, सिलाई ना कटे हमारी। कट लगा लेंगे हम इनको अच्छी तरह। ये देखिए ये वाली सिलाई अंदर की साइड, और ये पेपर पेस्टिंग को हल्का हल्का प्रेस करते चलेंगे। और इस पर ये देखिए कपड़े नीचे वाले कपड़े को उधर की साइड फोल्ड करेंगे, और पेपर पेस्टिंग पर हम लव की सिलाई लगाते चलेंगे बिल्कुल एंड में। पेपर पेस्टिंग को पूरा हमने हाथों से सेट करते चलिए, ऊपर से लव की सिलाई पूरे में लगाते चलिए इसको, इससे फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी आपके गले की। ये देखिए इसको जितना हमने लव की सिलाई लगाई थी इसको अंदर फोल्ड करते हुए अच्छी तरह फिनिशिंग से, और कच्ची सिलाई हम इस पर दे लेंगे इसकी। गले को कहीं से भी खींचना नहीं है, खींचने से हमारे गले की शेप बिगड़ सकती है, इसलिए बिल्कुल आराम आराम से इसको कच्चा कर लेना है पूरे। अच्छी तरह बिठाते हुए हम इसको कच्चा करेंगे। ये देखिए हमारा कच्चा हो चुका है। अब जो हमने लेस उधेड़ी थी इसकी, इस लेस को हम नाप लेंगे पूरा, हमारे गला हम पूरा गले पे आ रही है कि नहीं आ रही है। ये पूरी लेस हमने इसमें से ही उधेड़ी थी। अब ये देखिए ये पाइपिन है, पाइपिन को अंदर निकालते हुए थोड़ा सा बाहर करते हुए इसको वही लव की सिलाई इस कॉर्नर पर लगाते चलेंगे हम गले पर, पाइपिंग को सेट करते हुए बिल्कुल फिनिशिंग से, क्योंकि यही फिनिशिंग हमारी ख़राब थी वही हमने पूरी अच्छी तरह से इसको सेट किया है एक नया लुक देने के लिए। आप देखिएगा इसकी फिनिशिंग पहले कैसी थी सूट की जो आया था हमारा रेडीमेड, और बनने के बाद कैसी फिनिशिंग आई इसकी आप देखिएगा। इसको इस पाइपिंग को देखिए पूरा अच्छी तरह लगाते चलेंगे हम। ये देखिए हमारी पाइपिंग पूरी अच्छी तरह लग चुकी है, ये इसको कटिंग कर देंगे यहाँ से। ये देखिए बनने के बाद हमारा गला देखिए, और साइड में देखिए जो पहले गला था हमारा वो भी देखिए आप, और बनने के बाद भी देखिए। थैंक यू सो मच।